कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज डिफाइंड एज फॉग एक्स. सो दिस इज एफ जी एक्स फॉग एक्स दिस इज एफ जी एक्स गॉफ एक्स दिस इज जी एफ एक्स. ओके देखो एफ जी एक्स इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ जी रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. ओके इन सिमिलर वे गॉफ इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. ओके डोमेन ऑफ जी इस तरह से वो डिफाइन होता है. अब इसको दूसरे तरीके से हम लें. सपोज करो एफ कोई फंक्शन है ए से बी, जी कोई फंक्शन है वी टू सी. देखो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. यहाँ पर ए क्या है डोमेन है और बी क्या है कोडोमेन है. ओके तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं समझ सकते हैं. ओके दिस इज सेट ए दिस इज बी दिस इज सी. अब कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा जी एफ है कैसा है एफ है. ओके ए से बी और बी से सी एक कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन है जी. ओके तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर एफ एक्स मिलेगा हमें और ये क्या होगा फिर ये जी एक्स होगा. तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एफ जी एक्स क्या मिलेगा दिस इज एफ जी एक्स होगा दिस इज आ एफ जी एक्स. अब यदि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो हमें दिस इज एफ जी एक्स क्या हो जाएगा इसको हम बोलेंगे एफ जी एक्स या फिर क्या बोलेंगे फॉग बोलेंगे क्या बोलेंगे फॉग बोलेंगे. ओके अब हम एक्सरसाइज टू बी को सॉल्व करते हैं. ओके नाउ फर्स्ट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर इस तरह से फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन टू. जी इज अ फंक्शन फ्रॉम क्यू टू आर जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू. फॉग माइनस थ्री बाई टू उसने पूछा है. ओके फॉग माइनस थ्री बाई टू पूछा है तो हम सबसे पहले देखो फॉग एक्स क्या होगा एफ जी एक्स होगा. ओके दिस इज एफ अब जी एक्स क्या है एक्स प्लस टू है जी एक्स इज एक्स प्लस टू. तो एफ एक्स प्लस टू अब देखो एफ एक्स प्लस टू एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है एफ एक्स है टू एक्स माइनस वन अपॉन टू. ये एफ एक्स दिया हुआ है टू एक्स माइनस वन अपॉन टू. अब सब कुछ करो हम आपसे बोलें कि एफ बाई निकालें तो क्या आएगा टू बाय माइनस वन अपॉन टू आएगा. एफ बाई क्या आएगा टू बाय माइनस वन अपॉन टू आएगा. आपसे बोलें एफ भोपाल निकाल लें एफ भोपाल तो क्या आएगा टू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे भोपाल लिखेंगे वी एच यू पी एल भोपाल माइनस वन अपॉन टू. ओके तो आपको एफ एक्स प्लस टू निकालना है तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स प्लस टू पुट करेंगे. तो दिस इज क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू माइनस वन अपॉन टू. सो दिस इज टू एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन टू. दिस इज
2x प्लस 3 अपॉन 2। तो देखो फॉग x आ गया आपका 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ गया। कितना आ गया फॉग x? 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ गया। अब आपको क्या चाहिए है? आपको चाहिए है फॉग माइनस 3 बाई 2 चाहिए है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 अपॉन 2 होगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ओके दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके देखो हमें क्या चाहिए? फॉग एक्स चाहिए। तो आपको पता चल गया फॉग एक्स क्या होगा? एफ इंटू जी एक्स, जी उसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर जी एक्स रखेंगे, जी एक्स की वैल्यू रखेंगे हम। जी एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स प्लस टू है, तो वो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी एक्स प्लस टू। जी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया? एक्स प्लस टू रख दिया। अब हमें एफ एक्स प्लस टू निकालना है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एक्स लिखा होगा हम उधर क्या रखेंगे? एक्स प्लस टू रखेंगे। उसे सिंप्लीफाई किया तो 4x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज 2x प्लस 3 अपॉन 2। अब फॉग x की वैल्यू आ गई, फॉग माइनस 3 बाई 2 निकालना है, तो इसमें हम x की जगह माइनस 3 बाई 2 पुट करेंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके नाउ सेकंड, इफ f इज r टू r एंड g इज r टू r आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन x है, जी एक्स इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर है, देन फाइंड गॉफ। ओके आंसर हमें क्या निकालना है? गॉफ एक्स निकालना है। दिस इज जी एफ एक्स। ओके देखो ये कब डिफाइन होगा? जब रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी हो। तो ये फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर डोमेन ऑफ जी कितना है? आर है। जो भी रेंज होगी वो आर का क्या होगा? सबसेट होगा। तो देखो अब गॉफ एक्स, गॉफ एक्स इक्वल टू जी, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पर? साइन एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर साइन एक्स। अब हमें जी साइन एक्स निकालना है। क्या निकालना है? जी साइन एक्स निकालना है। जी एक्स कितना है? 5x स्क्वायर है। तो जी साइन एक्स कितना हो जाएगा? 5, जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर हम साइन एक्स रखेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज 5 साइन एक्स, दिस इज 5 साइन स्क्वायर। जी साइन एक्स कैसे निकलेगा? जी एक्स में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम साइन एक्स रखेंगे। ओके अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड, हमें सेकंड में गॉफ फाइंड आउट करना है, गॉफ एक्स। ओके सो दिस इज जी एफ एक्स, गॉफ एक्स जी एफ एक्स। अब हम जी एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं इसमें? एफ एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमें? 27x³ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एफ एक्स? 27x³। ओके अब हमें जी 27x³ की वैल्यू निकालना है। देखो जी एक्स कितना है? एक्स रेज टू पावर 1/3। अब हम जी सपोज करो भोपाल निकालें, क्या निकालें? जी भोपाल, तो जी क्या होगा? भोपाल रेज टू पावर 1/3 होगा। जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे? भोपाल रखेंगे। अब हमें क्या निकालना है? जी 27x³। तो जहाँ जहाँ इस वाले फंक्शन में x होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 27x³ रखेंगे। तो दिस इज 27x³ रेज टू पावर 1/3। ओके अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x का होल क्यूब, फिर क्या होगा? ये रेज टू पावर 1/3 होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x आ जाएगा। तो अपना गॉफ x कितना आ गया? 3x। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, फाइंड गॉफ 3 फॉग 1 फॉग 0 इफ फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सब चलो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट, ओके तो हम सबसे पहले गॉफ x निकाल लें। सीधी बात है, क्या निकाल लें? गॉफ x। तो गॉफ x क्या होगा? जी
एफ एक्स होगा, लॉग एफ क्या होगा, जी एफ एक्स होगा। ओके, तो दिस इज जी। अब एफ एक्स कितना दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है 3x-2, तो एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x-2 लिखेंगे। अब हमें जी 3x-2 निकालना है, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे, जी एक्स माइनस टू लिखेंगे, तो दिस इज 3x-2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, एक गॉफ x आ गया। अब हमें गॉफ 3 निकालना है, गॉफ 3, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 × 3-2 का स्क्वायर, 9 − 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे गॉफ 3 निकालना है आपको, क्या निकालना है, गॉफ 3, तो ये कितना हो जाएगा, जी एफ 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जी एफ 3। अब हम एफ 3 की वैल्यू निकालें, ठीक ना, एफ 3 की वैल्यू निकालें, तो एफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसमें जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर 3 पुट करेंगे, तो 3 × 3-2, तो दिस इज जी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा। इससे हम जब जी 7 निकाल लेंगे तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। नाउ फॉग वन, तो फॉग वन क्या हो जाएगा, एफ जी 1 होगा। अब हम जी 1 निकालें, ठीक है, क्या निकालें, जी 1, तो देखो जी 1 इससे निकलेगा, दिस इज क्या हो जाएगा, एफ 1 स्क्वायर। ओके, ये जी 1 हो गया, जी 1 क्या होगा, यहाँ पर x की जगह हम 1 रखेंगे, तो जी 1 स्क्वायर हो गया 1। अब हम एफ 1 निकालना है, क्या निकालना है, एफ 1, तो एफ 1 देखो इससे निकलेगा, 3 × 1-2 इक्वल टू 1। तो फॉग वन क्या हो गया आपका, वन हो गया, फॉग वन क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स लेके। ओके, नाउ फॉफ 0, इसका देखो फॉफ 0 चाहिए हमें, क्या चाहिए, फॉफ 0। ओके, तो जो कितना हो जाएगा, एफ 0। अब एफ 0 की वैल्यू इससे निकलेगी, एफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 3 × 0-2, तो ये एफ माइनस 2 हो जाएगा। ओके, नहीं, हाँ एफ माइनस 2 हो गया। अब एफ माइनस 2 की वैल्यू किससे निकलेगी, फिर वो इसी से निकलेगी, तो दिस इज 3 − 2 − 2, दिस इज −6 − 2 इक्वल टू −8, क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, आप फॉप एक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हो, किससे फाइंड आउट कर सकते हो, फॉप एक्स से, एफ एक्स की वैल्यू फिर से रख दें, तो एफ क्या हो जाएगा, 3x-2 होगा। अब एफ 3x-2 आप निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, 3x-2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ f लिखा होगा वहाँ पर हम 3x-2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका f, ठीक है, 3x-2 इक्वल टू 3x-2-2, दिस इज 9x-6-2 9x-8। अब हमें क्या निकालना है, हमें f 0 चाहिए है, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो 9 × 0-8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम उसे क्या है कर सकते हैं। ओके, सेकंड, ओके थर्ड का सेकंड, देखो गॉप 3 क्या होगा, जी एफ 3 होगा। ओके, जी एफ 3 होगा। अब एफ 3 कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, एफ 3 जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम 3 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दिस इज मॉडुलस 3+3, ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी 5। अब जी 5 किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, सो दिस इज 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओके, फॉग 1 निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, एफ
जीवन, जीवन किससे निकलेगा, इससे निकलेगा दिस इज एफ वन स्क्वायर, एफ वन का स्क्वायर, दिस इज एफ वन। अब एफ वन निकाल लें हम, एफ वन इससे निकलेगा, इससे सॉरी एफ वन इससे निकलेगा, ओहो यहाँ पर जी ए है, यहाँ पर जी क्या है, यहाँ पर जी एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस फाइव का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 आएगा। हम सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। अब एफ वन निकालना है हमें, तो एफ वन क्या होगा, एफ वन होगा 1 + 2, 3 का मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, ओके अंडरस्टूड। फॉग वन एफ जीवन, जीवन क्या है आपका, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा, ओके इस सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस वन का स्क्वायर ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस वन तो 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 2 होगा, ओके। अब फॉफ जीरो एफ एफ जीरो, एफ जीरो इससे निकलेगा, दिस इज एफ 0 + 2 का मॉडुलस इक्वल टू एफ टू, ओके। और एफ टू इक्वल टू क्या होगा, एफ टू इक्वल टू होगा मॉडुलस 2 + 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, ओके अंडरस्टूड। नाउ थर्ड, थर्ड में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और जी एक्स इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। गॉप 3 जी एफ 3, अब एफ 3 इससे निकलेगा, सो दिस इज जी 3 स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 = 8, जी 8, अब जी 8 किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो दिस इज रूट 8 या 2√2, ओके। फॉग 1 एफ जीवन, जीवन रूट 1, तो ये एफ 1 हो जाएगा, अब एफ 1 की वैल्यू किससे निकलेगी, इससे निकलेगी, दिस इज 1 square - 1 = 0, ओके। नाउ नेक्स्ट फॉफ 0, दिस इज एफ एफ 0, एफ 0 किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, दिस इज एफ 0 square - 1, तो क्या हो जाएगा एफ 1, अब एफ 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, एफ वन की वैल्यू भी इसी से निकलेगी, एफ माइनस वन होगा, क्या होगा एफ माइनस वन होगा, तो एफ माइनस वन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, देखो जी क्या होगा, दिस इज √-1 होगा, ओके अंडरस्टूड, ओके। एफ वन, एफ वन भी इसी से निकलेगा, इससे एफ से निकलेगा, तो एफ वन क्या होगा, एफ वन होगा आपका -1 square - 1 - 1 = 0। यहाँ पर एक और मिस्टेक हो रही है, -1 + 2 क्या होगा, 1 होगा, -1 + 2 क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ओके अंडरस्टूड, ओके। नाउ 4, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमें फाइंड आउट करना है एफ जी 0, ओके। तो फर्स्ट एफ जी 0 हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम जी 0 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जी 0 की वैल्यू क्या होगी, जी 0 की वैल्यू इससे 0 square - 3 होगी, ओके 0 square - 3, तो कितना हो जाएगा एफ 0 square - 3, दिस इज एफ माइनस 3 क्या होगा, एफ माइनस 3 होगा। अब एफ माइनस 3 की वैल्यू इससे निकलेगी एफ एक्स से, एफ एक्स कितना है एक्स प्लस 5 है, तो एफ माइनस 3 क्या होगा, दिस इज -3 + 5 = 2, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेकंड, जी एफ 0, अब सबसे पहले हम एफ 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0 + 5, सो दिस इज 0 + 5 इक्वल टू जी 5, 0 + 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके। अब जी 5 की वैल्यू निकालना है हमें, तो जी 5 कितना होगा, देखो जी 5 इक्वल टू होगा
फाइव स्क्वायर माइनस थ्री, 25 माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा इसका आंसर 22 इसका आंसर हो जाएगा। ओके नाउ थर्ड एफ सेम रहेगा, डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब एफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की हम वैल्यू निकाल लेंगे, एफ एक्स एक्स प्लस फाइव है तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पुट करेंगे, तो वैल्यू दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ओके फोर्थ जी एफ एक्स जी सेम रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू इज एक्स प्लस फाइव, सो दिस इज एक्स प्लस फाइव। अब हमें जी एक्स प्लस फाइव की वैल्यू चाहिए है, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो जी एक्स प्लस फाइव की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री। ओके सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस थ्री। ओके 10x माइनस थ्री दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 22, तो ये आंसर हो जाएगा, ये भी अपना आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ओके फिफ्थ में हमें जी एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए है जी एफ एक्स की, तो जी सेम रहेगा एफ एक्स की हम वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस फाइव है, एक्स प्लस फाइव है। ओके फोर्थ भी जी एफ एक्स है, फिफ्थ भी जी एफ एक्स है। ओके चलो एक मिनट, ओके फिफ्थ यहाँ पर फोर्थ का फिफ्थ क्या है एफ एफ एक्स है, क्या है एफ एफ एक्स। ओके तो हमें यहाँ पर एफ एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है एफ एफ एक्स की, एफ एक्स एक्स प्लस फाइव है तो हमने एफ एक्स की जगह एक्स प्लस फाइव रखा। अब यहाँ पर हमें फिर एफ एक्स प्लस फाइव चाहिए, देखो एफ एक्स प्लस फाइव तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ हम एक्स प्लस फाइव लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस फाइव, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया एक्स प्लस फाइव पुट किया, फिर प्लस जो करते हूँ लगाया फाइव जो करते हूँ लिखा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस टेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपना एक्स प्लस टेन हो जाएगा। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को, किसको करते हैं सेवेंथ को करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, तो देखो सेवेंथ नहीं सिक्स्थ है अपना, सिक्स्थ देखिएगा जी जी एक्स। ओके जी जी एक्स तो जी जी एक्स कितना हो जाएगा अपना, देखो पहले हम इसमें क्या करेंगे जी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। ओके तो जी अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रखा। अब जी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हमें निकालना है, तो देखो जी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पुट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस थ्री, जहाँ जहाँ इस जी एक्स में एक्स था उस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पुट करेंगे, तो दिस इज सॉल्व कर लें हम इसे एक्स रेज टू पावर फोर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो दिस इज एक्स रेज टू पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, दिस इज अवर आंसर, ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। ओके नाउ सेवेंथ फोर्थ का सेवेंथ, हमें एफ एफ माइनस फाइव की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम एफ माइनस फाइव की वैल्यू को लिखेंगे, देखो एफ माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगी एफ एक्स क्या है एक्स प्लस फाइव है, दिस इज माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो दिस इज एफ माइनस फाइव प्लस फाइव, दिस इज एफ जीरो। अब एफ जीरो की वैल्यू फिर इसी से निकलेगी, दिस इज जीरो प्लस फाइव इक्वल टू फाइव, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपना, ठीक ना। नाउ एट्थ जी जी टू, सबसे पहले हम जी टू की वैल्यू निकाल लेंगे, जी
जी टू की वैल्यू क्या निकलेगी, टू स्क्वायर माइनस थ्री, सो दिस इज जी फोर माइनस थ्री, तो जी वन हो जाएगा ये। अब जी वन की वैल्यू क्या होगी, जी वन की वैल्यू होगी वन स्क्वायर माइनस थ्री, सो वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू। ओके ओके, नाउ फिफ्थ, यू एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है, वी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एंड एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है यू वी एफ एक्स। फर्स्ट यू वी एफ एक्स, ओके, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ एफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन एक्स है, तो ये यू वी वन अपॉन एक्स ऐसा हो जाएगा ये। ओके, एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वन अपॉन एक्स पुट कर दिया। अब हमें वी वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना है, तो वी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा उस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन एक्स लिखेंगे, तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। वी वन अपॉन एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ हम x की जगह इसकी ए वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन x को। तो अब u वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज फोर, अब जहाँ जहाँ इसमें x लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ओके, सेकेंड सेकेंड में u f v x ये होगा, तो u f vx की वैल्यू क्या है, vx की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। अब fx स्क्वायर क्या होगा, यहाँ fx में जहाँ वहीं x लिखा होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो दिस इज u वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, u वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब u वन अपॉन एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, सो दिस इज फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आ जाएगा, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ओके, नाउ थर्ड, एफ यू वी एक्स, अब वी एक्स की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर, वी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एफ यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, तो यू एक्स में जहाँ जहाँ भी एक्स लिखा होगा उधर हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, तो दिस इज एफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब एफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका वन अपॉन एक्स है, एफ एक्स कितना है, सॉरी एफ एक्स है आपका वन अपॉन एक्स है। अब मान लो सपोज करो आपको एफ भोपाल निकालना है, एफ बी निकालना है, तो वन अपॉन बी आ जाएगा, एफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव निकालना है, तो वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो ये क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ फाइंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फाइंड द इंडिकेटेड वैल्यूज वेयर जी टी टी स्क्वायर माइनस वन दिया हुआ है, एफ एक्स वन प्लस एक्स है, हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट में जी एफ जीरो प्लस एफ जी जीरो, और सेकंड में फाइंड आउट करना है जी एफ टू प्लस थ्री। अब देखिएगा आंसर, देखो फर्स्ट क्या है, जी एफ जीरो प्लस एफ जी जीरो, अब एफ जीरो की वैल्यू, एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, एफ जीरो की इसमें हम एफ एक्स वन प्लस एक्स है, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस जीरो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो आएगा। एफ जी जीरो, जी जीरो की वैल्यू होगी जीरो स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इज जी वन एफ माइनस वन। अब जी वन की वैल्यू, जी वन की वैल्यू क्या होगी, वन स्क्वायर माइनस वन, और एफ वन की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस माइनस वन, सो दिस इज टू माइनस टू इक्वल टू जीरो हो गया, टू माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया,
जीरो हो गया। ओके अंडरस्टूड। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड जी एफ टू प्लस थ्री। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एफ टू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो एफ टू की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस टू होगी। दिस इज वन प्लस टू प्लस थ्री, सो दिस इज जी सिक्स। अब जी सिक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें तो जी सिक्स कितना होगा, टी की जगह हम सिक्स रखेंगे, दिस इज सिक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना होगा, 35 होगा। ओके नाउ सेवेंथ, इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 2 देन फॉफ 2 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो फॉफ 2 मीन्स है f f2। तो सबसे पहले हम f2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, यहाँ पर रफ में फाइंड यहाँ पर कर लेंगे f2 की वैल्यू को फाइंड, आप रफ में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x रखा है f2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x लिखा है उधर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2, तो 5 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 5 अपॉन 4 रख देंगे, दिस इज f 5 अपॉन 4 आ गया। अब हम f 5 अपॉन 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 2 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 4 माइनस 1। ओके सो दिस इज 2 से इसका एलसीएम ले लें, चलो तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये 10 प्लस 4, इधर एलसीएम ले लें तो 4 आएगा, ये 15 माइनस 1। ओके 4 से 4 कैंसिल हो गया, दिस इज 14 अपॉन 14, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम ए में क्या करेंगे, टिक को लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो ऐसा है, यहाँ पर 2 है, क्या है 2, 3x माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ओके अब देखें, दिस इज 10 अपॉन 4 प्लस 1, दिस इज 15 अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा। ओके अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, सीखे ना, तो दिस इज 4 10 प्लस 4, दिस इज एलसीएम 4 15 माइनस 8, दिस इज 14 अपॉन 4, दिस इज 7 अपॉन 4, तो 14 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 7 कैंसिल हो गया, 14 अपॉन 7 कितना होता है, 2 होता है, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए ना होके क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा अपना, बी होगा। ओके अंडरस्टूड।